अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास दूसरा सबक नात की रीडिंग हम लोग कर चुके थे, आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। मुख्तसर सवालात के जवाब दें, पेज नंबर 6 के ऊपर है, पेज नंबर 6 के ऊपर मुख्तसर सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, रहमत किस नबी का लकब है? रहमत किस नबी का लकब है? तो देखें, रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का लकब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन कहा गया, ये लकब जो है आपको अल्लाह ताला की तरफ से ही दिया गया है। दूसरा सवाल है, यतीमों का वाली किसको कहा गया है? नात के मुताबिक शायर ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को यतीमों का वाली कहा है। हिरा से क्या मुराद है? तो आंसर देखें, हिरा से मुराद गार है, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खिलवत पदीर होकर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते थे, और ये वो गार है जहाँ पर पहली वही भी नाजिल हुई थी। ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आंसर में। मिसे खाम को कुंदन बनाने का क्या मतलब है? मिसे खाम को कुंदन बनाने से मुराद है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जहालत में डूबी हुई कौम को तहजीब से आरास्ता किया, मतलब महज़ब बना दिया। पांचवा सवाल है, अरब पर क्या चीज़ छाई हुई थी? तो देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब पर जहालत छाई हुई थी। ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स हैं, आपने सवाल जवाब जो है वो अपनी नीट कॉपी पर लिखने भी हैं और इन्हें याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।